हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं दो तरह के फंक्शन के बारे में। डिफरेंशिएशन अपने को करके दिखाना है, एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके दिखाना है और एक इम्प्लिसिट फंक्शन जो होते हैं उनका डिफरेंशिएशन अपने को करके दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इन दो फंक्शन के बारे में अपने बात करेंगे। RBSE के 7.2 में सारे ही इनवर्स फंक्शन हैं, ठीक है, और 7.3 के बाद सुन लीजिए दोनों, 7.3 के कुछ शुरू वाले क्वेश्चन में इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है, बट CBSE वाले में 5.3 में इम्प्लिसिट फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों हैं। तो आप पहले इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन देख लीजिए, मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये एक्सरसाइज RBSE की तो है 7.2, थोड़ी सी है 7.3, और जो CBSE है उसकी है एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। तो इसकी अपने ये पढ़ने जा रहे हैं। पहला फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होता है ये अपने को करके दिखाना है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपको दे दिया ए, यानी एक्स और वाई में आपके क्या है, एक फंक्शन दे रखा होगा, ठीक है, उसका अपने को डिफरेंशिएशन अपने को करके दिखाना है। तो पहले क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करो। एक्स का क्या होता है, डूइंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन। क्या होता है स्टूडेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन, वाई का होता है डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में होता है वन, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में होता है डी वाई बाय डी एक्स, और ए का क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। तो dy by dx की वैल्यू क्या आगे बताइए, dy by dx की जो वैल्यू है वो आगे माइनस का वन। तो इस तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन जो है, x और y अगर एक साथ दे रखे हैं तो अपने को क्या है, इस तरह से उनका डेरिवेटिव करके दिखाना है। जैसे मैं आपको CBSE का एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, ये आपके RBSE के 7.3 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है ये आपस में ना, आपकी एक्सरसाइज आगे पीछे है, बाकी क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो मैं अभी सारी आपको कंप्लीट करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको दे रखा है 2x plus 3y is equal to sin x, पहला क्वेश्चन 2x plus 3y is equal to आपको क्या दे रखा है, sin x। तो आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, आपस में एग्जाम्पल वगैरह में मिला के सारे एक साथ ही हैं, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सारे आपको बस बेसिक समझ आना चाहिए भी पूछा क्या है। तो 2x plus 3y is equal to sin x है, इसका डिफरेंशिएशन आपको करके बताना है। तो डूइंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 2x का क्या हो गया बताइए, 2, क्योंकि x का वन होता है, 3, y का क्या होगा बताइए, dy by dx, ठीक है, और sin x का क्या हो गया बताइए, cos x, सही है यहां तक, ठीक है। 2x का हो गया 1 और 3y का हो गया dy by dx और इक्वल टू sin x का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है क्या होता है, cos x। अब देखो 2 dy by dx वाले एक तरफ करने हैं, बाकी सारे उधर ले जाएंगे, तो 3 dy by dx प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, cos x माइनस 2, प्लस का 2 उधर जाके क्या हो गया, माइनस 2, और 3 का अपने कर देंगे डिवाइड, तो dy by dx की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी cos x माइनस 2 अपॉन 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से अपने को इम्प्लिसिट फंक्शन जो है, मतलब इम्प्लिसिट का मतलब होता है मिक्स फंक्शन, जैसे x भी हो, y भी हो, sin भी हो, cot भी हो, ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन भी हो, सब हो, तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो उसमें क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करके x वाले एक तरफ करते हैं, y वाले एक तरफ करते हैं, और डिफरेंशिएशन हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल और लेके चल रहा हूं मैं, देखो
कुछ क्वेश्चन आपको खुद भी करके दिखाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर बड़ा है इसलिए कुछ क्वेश्चन आपको खुद भी करने हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन खुद करना है। तीसरा देखो इसका, ए एक्स प्लस बी वाई इसके इक्वल टू कोस वाई। तीसरा क्वेश्चन देखो, ए एक्स प्लस बी वाई इसके इक्वल टू कोस वाई। इसका कैसे करेंगे, ए एक्स का तो हो जाएगा ए, वो लिखनी है आपको लाइन, डूइंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस बी बी, और वाई स्क्वायर का क्या आएगा बताइए, टू वाई, वाई का स्क्वायर है ना, स्क्वायर आगे आ जाती है, पावर कम हो जाती है, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू वाई, और फिर वाई का करेंगे तो डी वाई बाय डी एक्स, क्या करेंगे, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कोस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन वाई, और फिर वाई का वापिस करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, डी वाई बाय डी एक्स। अगर यहाँ कोस एक्स होता तो सीधा जाता माइनस का साइन एक्स, और एक्स का हो जाता वन, बट यहाँ वाई आ रहा है इसलिए कोस वाई का हो जाएगा माइनस साइन वाई, और वाई का हो जाएगा क्या, डी वाई बाय डी एक्स। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो आगे, डी वाई बाय डी एक्स एक तरफ कर लीजिए, ए उधर लेके जा रहा हूं, वो वाला इधर लेके आ रहा हूं, तो यहां बचेगा टू बी वाई डी वाई बाय डी एक्स, ये माइनस का साइन वाई इधर आके हो गया, प्लस का डी वाई बाय डी एक्स, प्लस का ए उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। अब देखो इसमें से डी वाई बाय डी एक्स कॉमन आ रहा है, डी वाई बाय डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा क्या, 2by plus sin y is equal to minus का a, then dy by dx की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट, माइनस का a अपॉन 2by plus sin y, ठीक है, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। इस तरह से अपने को डिफरेंशिएशन करके दिखाने हैं, ठीक है, ये होते हैं इम्प्लीट फंक्शन। अब मैं बात कर रहा हूं आरबीएससी और सीबीएसई के दोनों एक्सरसाइज में है, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन के बारे में मैं डिफरेंशिएशन की बात करने जा रहा हूं, भी इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो देखिए इनवर्स फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया था वो फॉर्मूले, आपके इलेवेंथ वाले जो फॉर्मूले हैं सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे आपके आरबीएससी का तो ये पहला क्वेश्चन है जो अब करवाने जा रहा हूं, और जो आपके सीबीएसई के हैं, जो आपके सीबीएसई है उसमें ये 14 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन और 14 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, आरबीएससी का पहला क्वेश्चन, सीबीएसई का 14 क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू है साइन इनवर्स 2x root 1 minus x square and x belongs to minus का 1 by root 2 से लेके 1 by root 2। इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये देखिए, इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू अगर अपने ये रखते हैं, इसमें x की वैल्यू अगर मैं ये रखता हूं माइनस वन बाय रूट टू से लेके वन बाय रूट टू यहां रखता हूं, तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू माइनस वन से लेके वन के बीच में आएगी, किसके बीच में आएगी, माइनस वन से लेके वन के बीच में आएगी, क्योंकि साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो एंगल में माइनस वन से लेके वन के बीच में ही आती है, क्योंकि ये इसकी रेंज होती है, क्या हो जाती है, रेंज, ठीक है स्टूडेंट। Yes. अब देखो आपको क्या करना है, वैसे तो इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं चेन रूल से, इसको मानेंगे साइन इनवर्स यू, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर यू का करेंगे, तो वो ये लेंथ ही हो जाता है, क्या होता है स्टूडेंट, लेंथ ही हो जाता है, तो इसलिए अपने क्या है, चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन कर तो सकते हैं बट वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको 11th के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, साइन टू थीटा का, कोस टू थीटा का,
और tan 2 थीटा का, sin 3 थीटा का, cos 3 थीटा का, tan 3 थीटा का, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले, ये छह के छह फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, वही लगेंगे। और जब भी रूट वन माइनस एक्स के आए तो एक्स की जगह साइन कोस रखेंगे, वन प्लस एक्स के आए तो एक्स की जगह टेन या कोट रखेंगे, और एक्स के माइनस वन आए तो भी सेक और कोसेक रखेंगे, क्योंकि ये आइडेंटिटी बन जाती है। तो मैं पहले पुट करने जा रहा हूं, एक्स की जगह मैं रख रहा हूं साइन थीटा। इसमें आपको पुट करने के बाद ही इसका सोल्यूशन मिलेगा, तभी उसके बाद ये फॉर्मूले इजी हो जाएंगे और फिर इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, पुट एक्स इज इक्वल टू मैंने रख दिया साइन थीटा, तो बताइए क्या आएगा, बताओ, साइन इनवर्स ये हो गया टू साइन थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो साइन इनवर्स टू साइन थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर बताओ क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है, और कोस स्क्वायर का रूट हटके क्या बन जाएगा, सिर्फ कोस थीटा। साइन इनवर्स ये क्या बन गया बताओ, साइन टू थीटा, आइडेंटिटी बन गई ना, टू साइन ए कोस ए आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, मैं बता रहा हूं, सिर्फ वो आइडेंटिटी साइन टू थीटा की, टेन टू थीटा की, cos 2 थीटा की, और फिर sin 3 थीटा की, cos 3 थीटा की, और tan 3 थीटा की, ये छह आइडेंटिटी इसमें लगेंगी, और एक वो tan इनवर्स x plus y की, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखो sin से sin कैंसिल होकर y is equal to, ये इनवर्स है, ये sin है, तो ये कैंसिल होकर सिर्फ क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा स्टूडेंट, क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा। यहां से थीटा की वैल्यू आप निकाल लीजिए, साइन इनवर्स एक्स आ रहा है, क्योंकि ये साइन इधर जाके हो जाता है इनवर्स, तो थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास, 2 पढ़ा ही था, ये आ गई साइन इनवर्स एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, अब इसका इजी हो जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करने के बाद आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स, अब डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2 तो पड़ा रहेगा, और साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से अपने क्या है, किसी भी इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, बस आपको पुट करना आना चाहिए, भी इसमें पुट क्या करेंगे वो आपको देखते ही पता चल जाएगा, अभी आइडेंटिटी कौन सी बन रही है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, जो आपके सेम है, बीच बीच में से क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा, कोई जैसे मान लो आपकी दोनों की क्लास लेनी पड़ती है, इसलिए दोनों की 20-20 मिनट ऐसे एक्स्ट्रा में होते हैं, क्योंकि और भी क्लास है, इसलिए आपके दोनों में जो कॉमन टॉपिक आ रहे हैं, वो कॉमन जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही करवा रहा हूँ ओनली। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में लेने जा रहा हूं, जो आपके दोनों में कॉमन है वो क्या है, देखिए तो बेसिक आपको समझ आना चाहिए, इम्प्लीट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं और इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। जैसे आपका आंसर ये क्वेश्चन है, मैं अब करवाने जा रहा हूं, इलेवन नंबर करवाने जा रहा हूँ सीबीएसई का, और 7.2 का, 7.2 का जो सेकंड का बी है वो करवाने जा रहा हूँ। जैसे आपको ये दे दिया, क्वेश्चन नंबर है 11, यह सेकंड का बी, ये आपको क्वेश्चन दे दिया 1 - x² / 1 + x², तो बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन सेम है आज वही करा रहा हूं, और कल जो बचेंगे वो अलग अलग वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो देखो कैसे आएगा बताओ, x की जगह क्या पुट करें, x की जगह 0 से 1 है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में यहां कुछ भी रख दो तो भी इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही आनी है, ध्यान रखना। अब बताओ x की जगह क्या पुट करें कि फॉर्मूला बन जाए, आपको याद आ रहा होगा x अगर मैं tan थीटा रखता हूं तो ये फॉर्मूला बन जाता है 1 - tan² θ / 1 + tan² θ,
बताइए ये फॉर्मूला किसका होता है। फॉर्मूले अगर याद है तभी इनवर्स फंक्शन के आप डिफरेंशिएशन कर पाओगे। फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो बताओ क्या आएगा इसका, x की जगह रखेंगे tan थीटा, तो बताओ क्या आएगा, बताइए। cos इनवर्स ये होती है रेडी cos 2 थीटा की, किसके रेडी होती है, cos 2 थीटा की रेडी होती है। ठीक है स्टूडेंट, cos से cos कैंसिल होकर क्या बचेगा, y = बचेगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ रही है बताओ, tan इनवर्स है, तो 2 tan इनवर्स x आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब 2 tan इनवर्स x आ गया, अब इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन। क्या कर देंगे स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन कर देंगे तो dy / dx आ जाएगा 2 tan इनवर्स x का होता है 1 / 1 + x स्क्वायर, ये इसका परफेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, अब जैसे दो क्वेश्चन हो रहे हैं जो सेम ही टाइप के, मान लो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन है y इक्वल टू आपके पास दे रखा है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये है। ठीक है, ये आपके आरबीएसई के फर्स्ट का बी पार्ट है, x माइनस 1 हाफ से लेके हाफ तक है, वो लिख लो, कोई जरूरी नहीं है वैसे। अब आप ये देखो, अगर मैं x की जगह रखता हूं साइन थीटा, तो फौरन आपके दिमाग में आइडेंटिटी आ जानी चाहिए, ये आइडेंटिटी किसकी होती है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था ये आइडेंटिटी सारी आपको याद होगी तभी क्लियर होएगा। तो ये आइडेंटिटी होती है साइन 3 थीटा की, आइडेंटिटी बनेगी सारों में इनवर्स में, तो ये बन जाएगी किसकी, साइन 3 थीटा की, तो ये वाला इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ गया 3 थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए क्या है, साइन इनवर्स एक्स, यहां से आ जाएगा ना साइन इनवर्स एक्स, तो देखो अब इसका कर दो डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा 3 इंटू रूट 1 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब, ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से अपने को सारे, अगर जैसे मान लो अपने मैं cos क्यूब और cos वाला लेता हूं, tan वाला भी लेता हूं, तीनों ही है आपके, cos और sin वाले तो है आरबीएसई में और tan वाला है सीबीएसई में, तीनों ही करवा देता हूं। cos आ जाए मान लो यहां पे, अब cos की आइडेंटिटी उल्टी होती है, क्या होता है बताइए, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है, x की जगह cos थीटा रख दो बस, सेम आइडेंटिटी बन जाएगी, क्या आएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये बन जाएगा cos 3 थीटा, cos से cos कैंसिल होकर बन जाएगा 3 थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे cos इनवर्स x, और फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो dy / dx अपने पास आ जाएगा 3 इंटू माइनस का 1 अपॉन रूट 1 माइनस x क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से इनवर्स फंक्शन के आपको डिफरेंशिएशन करके दिखाने हैं। अब मैं जैसे सीबीएसई का एक क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे आपको दे रखा है 10th नंबर, 10th नंबर क्या होएगा बताइए, यही tan 3 थीटा का बन रहा है, देखो कैसे y इक्वल टू दे रखा है क्या 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो x की जगह क्या रखेंगे, आइडेंटिटी बन जाए tan थीटा रखेंगे, तो क्यों बन जाएगी, देखो बन रही है पूरी परफेक्ट आइडेंटिटी बन रही है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब आपको देखते ही पता चल रहा होगा ये एक आइडेंटिटी थी 11th में 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, किसकी आइडेंटिटी होती है बताओ, ये होती है
टेन थ्री थीटा की, तो टेन से टेन कैंसिल होकर वाई इक्वल टू आ गया थ्री थीटा, और थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास क्या लेट किया था टेन इनवर्स एक्स, टेन थीटा लेट किया था तो थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो ये आएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से अपने क्या है इनके डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा, ठीक है। बस इनवर्स में आपको पुट करना आना चाहिए, भी क्या पुट करें कि ये वाला इनवर्स खत्म हो जाए, और खत्म करना है उसके बाद अपने को डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद तो बहुत इजी है सारों के डिफरेंशिएशन।